हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया ना? सर सब कुछ बढ़िया। आज क्यों आए हो सर? देखो, एवरेज ड्यू डेट बहुत प्यारा चैप्टर है, सच्ची बता रहा हूँ, और जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उतना काफ़ी आपके लिए होगा। आप लिखो जरा यहाँ पे, एवरेज ड्यू डेट आज चैप्टर का हमारा नाम है। और ये इतना सिंपल है कि अगर एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दिया जाए ना बच्चे, तो वो भी समझ जाएगा। कुछ इसमें है नहीं जो मुझे पढ़ाना है, 5 मिनट का समय लूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्चुअली चैप्टर की शुरुआत में पहले मुझे कुछ बताने का मन कर रहा है कि चैप्टर एक्चुअली है क्या, एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके साथ डिस्कशन करूंगा। ये देखो जरा यहाँ पे क्या निकल के आता है, मेरी बात सुनना। पता, ये एक आदमी है, सर हम भी लिखे नहीं लिखना, आपको मेरी बात बस सुननी है। मेरे बच्चे, एक आदमी है और इस आदमी का नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम, आप देखो, एक आदमी मैं यहां पे और बनाता हूं, एक आदमी यहां पे और बनाता हूं, और इसका नाम है मेरे बच्चे, मान लो यहां पे मिस्टर बी। चलो मिस्टर क्या करूं, बी कर दूं, चलो ठीक है। पता, बी ने क्या किया बच्चे, इनसे कर्ज लिया है। बहुत पहले की बात है, बी ने क्या किया, इनसे कर्ज लिया है, और इन्होंने इनके साथ जो एग्रीमेंट किया है ना, उस कर्ज का जो लोन इन्होंने लिया है जी, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 1 2 3 4 5 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। मान लो बी ने राम को कहा है कि भैया आपका जो लोन है मैं इस तरीके से पेमेंट करूंगा, 12 जनवरी को कहता है कि मैं आपका 25,000 वापस करूंगा, 15 मार्च को सर हम भी लिखे नहीं लिखना, मैं आपको सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूँ चैप्टर आपका क्या है, कहता है कि 15 मार्च को मैं 20,000 वापस करूंगा, 16th कहता है कि आपका जुलाई को इन्होंने 28,000 कहा है वापस करने के लिए, 1 सितंबर को मान लो यहाँ 30,000 कहा है वापस करने के लिए, और मान लो 15 सितंबर को मेरे बच्चे इन्होंने कहा है कि भैया 45,000 रुपये आपका वापस कर दूंगा। पता है, दोबारा सुनना, बी ने क्या किया है, एक लोन लिया था जी, बी लोन आपका टेकन किया था फ्रॉम किससे, आपका यहाँ पे राम से, और कमिटमेंट के मुताबिक बी ने राम को कहा है कि मैं आपके पैसे इतने इतने कर मैं इतने सारे डेट्स में वापस कर दूंगा, 12 जनवरी को, 15 मार्च को, 16 जुलाई को, फिर आपका 1 सितंबर को, 15 सितंबर को। मेरे बच्चे, ये दोनों चाहते हैं कि किसी एक ऐसे दिन पे सेटलमेंट हो जाए, मतलब ये 5 बार एक दूसरे का चेहरा देखने के बजाय वो किसी एक दिन पे सारा पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं। मतलब ये पैसा देना चाहता है और ये लेना चाहता है किसी एक दिन पे, तो मुझे वो एक दिन निकालना है जिस दिन पे अगर वो पेमेंट होए, जिस दिन पे पेमेंट हो तो मेरे बच्चे उस दिन पे पेमेंट करने में इनको भी दुख नहीं होगा और इनको भी दुख नहीं होगा। सुना मेरी बात? सर कैसा दुख, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आप मुझे बताओ, अगर सारा पैसा एग्रीमेंट हुआ कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा पैसा 12 जनवरी को ही बी इनको वापस कर देगा, चलो बताओ 12 जनवरी को अगर ये पैसे वापस हो जाए तो किसको घाटा होगा? सर बी को घाटा होगा, क्योंकि जो पेमेंट ये पार्ट पार्ट में आगे भी कर सकता था, अगर सारा पेमेंट आज ही दे दे तो फिर इनको क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा था कि सारे पैसे आप बैंक में रखते, कुछ इंटरेस्ट मिलता, और धीरे धीरे क्या करते जी, आप इनका पेमेंट करते। मतलब अगर 12 जनवरी को यहाँ पेमेंट कर दिया जाए, यानी कि स्टार्टिंग में, तो मेरे बच्चे ये परेशान हो जाएगा, इसको दुख होगा, ये बहुत रोएगा। अगर ये बात मान लो 15 सितंबर को तय होती है कि ठीक है जी, सारा पेमेंट हम करते हैं कि 15 सितंबर को पे कर देते हैं, तो मेरे बच्चे इसको तो खुशी होगी, ये खुश तो होगा, लेकिन इसको दुखी होगी, क्योंकि जो पेमेंट इनको पहले मिल सकता था वो इतने समय के बाद मिल रहा है, आखिर हम ऐसा क्यों करें? तो देखो, हम एक ऐसे डेट पे पहुंचना चाहते हैं जिस डेट पे अगर पेमेंट हो तो ना तो आपको परेशानी, ना आपको परेशानी, यानी कि दोनों आप वहां पे एग्री करोगे। मेरे बच्चे, उसी डेट को हम इस चैप्टर में कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब होगा जितने सारे ड्यू डेट्स हैं उनका एक एवरेज डेट निकालना, जिस डेट पे पेमेंट हो तो आप भी परेशान ना हो। मेरे बच्चे, इस एवरेज ड्यू डेट को निकालते समय दो बातें कंसीडर करनी पड़ती हैं, एक तो ड्यू डेट्स क्या हैं और दूसरा अमाउंट क्या है, क्योंकि देखो अमाउंट भी यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो वो डेट कैसे निकाला जाएगा, यही इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है,
छोटा सा मैथमेटिक्स है जो दो चार मिनट का काम है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चे, तो मैं आपको पहले समझाना शुरू करता हूँ। मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को मैं वहाँ पर आपको सॉल्व नोट्स के रूप में लिखाऊंगा। तो आप आइए जनाब, पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में क्लियर हुआ होगा, एवरेज ड्यू डेट का मतलब एक ऐसे डेट पे पेमेंट करना जिसमें आप भी परेशान नहीं होगे, आप भी परेशान नहीं होगे। वो डेट कैसे निकाला जाएगा, वो डेट कैसे निकाला जाएगा, वही आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा बच्चे, वही सिखाया जाएगा। जनरली आप देखो जरा, कभी भी आप कहीं जाएंगे काम करने, बैंक में काम करने जाएंगे, कहीं और भी काम करेंगे, तो ये डेट्स आपको बहुत निकालने पड़ेंगे, बहुत सारे इसका यूज निकल के आता है, वही मैं आपको समझाता हूँ। क्यों ना मैं एक क्वेश्चन का सहारा लूँ, इतना बोलो क्या फ़ायदा निकल के आएगा, क्या फ़ायदा निकल के आएगा, एक क्वेश्चन का सहारा लेता हूँ, उसी से मैं आपको समझाता हूँ। आप आइए बुकलेट का आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 चलो मैं शुरू करता हूँ, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें बच्चे हम लोग। सर हाँ जी, कहता कि कैलकुलेट, मिल गया बच्चे, मिल गया नोट्स आपको, मतलब बुक में निकल गया। सर हाँ जी निकल गया, पढ़ो ना सर। बोलता है कि एवरेज ड्यू डेट निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता है कि डेट ऑफ बिल आपका ये है, टर्म कहता है यानी कि बिल का पीरियड, और फिर कहता है अमाउंट। मेरे बच्चे इसका हमें ड्यू डेट निकालना है, ध्यान रखना बिल की बात कर रहा है, बिल की बात कर रहा है, याद रखना। जब भी बात बिल का होगा ना, तो हमने पहले बचपन से पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास से कि जब बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात होती है तो वी एड 3 डेज एज ग्रेस पीरियड, याद है आपको। सर हाँ जी सर, मैं इसको नोट में लिखाऊंगा अभी, आप चिंता नहीं करना, लेकिन आओ जरा पहले हम इससे समझे कि एक्चुअली एवरेज डेट क्या होता है। तो आप ना लिखो मेरे साथ यहाँ पे, देखो कई सारे कॉलम बनेंगे, पहले देख लो कितने कॉलम बना रहा हूँ उसके साथ। आप 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 कॉलम का जगह छोड़ दो, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होगी, कम हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 कॉलम बनाएंगे आप यहाँ पे। पहला कॉलम आपका आ गया डेट ऑफ बिल, बिल ड्रोन, जब बिल लिखा गया उसका डेट आपका क्या है। फिर मेरे बच्चे टर्म यानी कि पीरियड क्या है बिल का, हम वो देखेंगे। फिर इसके बाद कहता है अमाउंट आपका, या एक काम करेंगे पहले आप इससे ड्यू डेट्स जो है ऑफ बिल वो निकाला जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया। फिर आपको एक कॉलम बनाना है और एक और, मतलब टोटल 6 कॉलम का आपने रजिस्टर में पेज को डिवाइड करना है। ये लीजिए हमारा 3 ये 4 और बाकी का जो स्पेस है थोड़ा सा इसको बड़ा करके लास्ट वाले को थोड़ा छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कॉलम बनाएंगे आप यहाँ पे, 6 कॉलम। सर 6 कॉलम क्यों बनाएगा अभी बताऊँगा, आओ जरा पहले देखते हैं क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल क्या बता रहा है। पहला कहता है कि 10th August 2012। फिर कहता है मेरे बच्चे 23rd October 2012। थर्ड आपको कहता है कि 4th December, ये वो दिन है जिस दिन पे बिल लिखे गए हैं 2012। फिर कहता है कि 14th January 2013। और मेरे बच्चे लास्ट में कहता है कि 8th March 2013। ये हमारे पास 5 ऐसे बिल है जो आपको बताया जा रहा है ना। जरा बताओ पीरियड क्या बता रहा है। सर पहला कहता है कि 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स, ठीक है। जरा बताओ दूसरा क्या बता रहा है, 60 डेज। जब डेज में होता है तो हम डेज में काउंटिंग करते हैं, मंथ्स में होता है तो मंथ्स में काउंटिंग करते हैं। 2 मंथ्स यहाँ लिखा हुआ है जी बिल के ऊपर में। फिर कहता है 60 डेज, लिखेंगे आप यहाँ पे 60 डेज। और फिर मेरे बच्चे 2 मंथ्स यहाँ पे, 2 मंथ्स, ठीक है ना। बताओ जरा अमाउंट क्या क्या बता रहा है आपको, अमाउंट कॉलम लिख दो। पहला वाला कहता है कि 6000 का है, दूसरा वाला कहता है कि 5000 का है, तीसरा वाला कहता है कि 4000 का है, फोर्थ जो अमाउंट है मेरे बच्चे 2000 कह रहा है, और लास्ट कॉलम कहता है कि 3000 का अमाउंट है। दिज आर आपका अमाउंट पेबल ऑन द ड्यू डेट्स आपका, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ मैं, ड्यू डेट्स निकालता हूँ। बताओ 10th January से 3 मंथ्स काउंट करना, सॉरी 10th August से, 10th September, 10th October, 10th November, 10th November प्लस 3, यानी कि ये हो गया आपका 13th November, 13th November 2012 यहाँ पे। सुना मेरी बात आपका, 10th August से 3 महीना, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 13 नवंबर हो गया। अब बताओ 23rd October से 60 डेज, ध्यान दीजिए डेज में, हम डेज में काउंटिंग करते हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कैसे। जरा बताओ 23rd October से 60 डेज, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31। आप देखो जब ड्यू डेट हम निकालते हैं बच्चे, जब ड्यू डेट निकालते हैं तो
तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब काउंटिंग नेक्स्ट डे से शुरू होती है, नेक्स्ट डे से। मैं इसको नोट में लिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, जरा सुनो। आप बताओ 31 दिन में अक्टूबर में से अगर 23 दिन हटा दूं तो कितना बच गया आपका यहां पे? सर 8 दिन, 8 आपका। तो अक्टूबर में क्या आ गया आपका यहां पे? 8 आ गया। 6 डेज काउंट करना है, जरा बताओ नवंबर में कितना? 30 डेज आपका। तो बताओ दिसंबर में कितना आपका हो गया? सर 38 ये हो गया। तो आपका 38 के बाद सर कितना बच जाएगा? 22 डेज, 22 दिन बचे आपका, 22 बचा ना सर? हाँ जी। तो 22 दिन आपका निकल के आया यहाँ पे जी, ये हो गया। प्लस 3 दिन आप इसमें ऐड कीजिए ग्रेस पीरियड, तो बताओ कितना निकल के आ गया? 25 दिसंबर। और बच्चे यहाँ पे 25 दिसंबर आपका निकल के आ रहा है 2012 का, दिस इज ड्यू डेट है ना, 25 दिसंबर निकल के आया। सुना मेरी बात? जिस दिन बिल हम लिखते हैं उसको हम एक्सक्लूड करते हैं आपका ड्यू डेट को पता करते समय, है ना। इसको मैं भी नोट में लिखाऊंगा, आगे बढ़ना। 4 दिसंबर से 2 महीना, 4 जनवरी, 4 फरवरी प्लस 3 यानी कितना हो गया जी? 7 फरवरी। ये 7 फरवरी आ गया 2012। अगला बताओ 14 जनवरी से हमें काउंट करना है 60 डेज। जनवरी में 31 दिन होते हैं, अगर 31 में 14 को हटा दूं तो जरा बताओ कितना बच गया यहाँ पे? 17 डेज जनवरी में निकल के आ गए, हमें 60 काउंट करना है। बताओ फरवरी में कितना हो जाएगा? सर 2013 है सर, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28 दिन होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें 29 डेज होते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है कि जिस महीने में फरवरी के महीने में 29 दिन होता है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा आपका, ठीक है ना। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, जरा बताओ टोटल कितना आ गया यहाँ पे? सर ये हो गया 45, हमें काउंट कितना करना है? 60। तो मेरे बच्चे 15 दिन और आपका मार्च का यहाँ पे निकल के आया, 15 दिन आपका। इस 15 दिन में आप 3 दिन और ऐड कीजिए, कितना हो गया? 18 मार्च। तो लिखेंगे आप यहाँ पे 18th मार्च आपका 2013 ये निकल के आ गया आपको यहाँ पे 18th मार्च आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, हमने क्या किया 14 से 6 डेज काउंट किया, तो जनवरी में आ गया 17, फरवरी में 28, टोटल हो गया 45, पर प्लस 15 दिन आपका मार्च का, प्लस 3 आपका 18 निकल के आ गया। अच्छा जरा बताओ अब यहाँ पे 8 मार्च से 2 महीना क्या होगा? 8 अप्रैल 8 मई और 11 मई 2013 को आपका यहाँ निकल के आया ड्यू डेट्स। देखो पांचों के हमने ड्यू डेट्स निकाल दिए, अब सुन मेरी बात सर। हाँ देखो इस 5 जो ड्यू डेट्स हमने निकाले हैं, हमें इनका एक एवरेज निकालना बच्चे, एवरेज। अब वो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपने क्या करना है, आप ना इस कॉलम में एक बेस डेट आप लो, बेस डेट। सर बेस डेट का मतलब क्या है? मतलब ये 1 2 3 4 5 जो डेट दिख रहे हैं ना बच्चे, इन 5 में से किसी भी एक डेट को मान लो कि वही मेरा एवरेज ड्यू डेट है। ध्यान सुनना, हम मान रहे हैं कि वो एवरेज ड्यू डेट, वो है नहीं। एग्जैक्टली क्या होगा अभी हमें निकालना है, तो मैं इस 5 में से किसी भी एक दिन को यहां पे मानना चाहता हूं जो हमारा एवरेज ड्यू डेट, जिसको मैं बेस मानूंगा। बेस बताओ किसको मानना चाहते हो? सर आप बताओ ना किसको माने? हम किसी को भी मान सकते हैं बच्चे, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है जो अर्लीएस्ट डेट होगा वो मानना, क्योंकि अगर आप अर्लीएस्ट को मानोगे ना तो कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत सिंपल आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 13th नवंबर 2012 को करूँगा। सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कुछ और मानूँ तो क्या आंसर अलग आएगा? नहीं बच्चे, आंसर बिल्कुल सब में सेम आएगा, लेकिन मैंने कहा ना इन 5 में से कोई भी दिन आप मान सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा जो सबसे अर्लीएस्ट डेट होगा वही मानना, ताकि कैलकुलेशन आपका सिंपल होगा। मेरा मोटिव है कैलकुलेशन को सिंपल करना एग्जाम में, और दूसरा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी मान सकते हैं। एक सवाल और भी दिमाग में है, मैं अभी लेके चल लूं कि सर क्या इन्हीं 5 में से कोई एक डेट माना जा सकता है बेस्ट डेट, या कोई भी मान सकते हैं? कुछ भी बच्चे, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आपको 14th नवंबर मन कर रहा तो वो मान लो, 15th नवंबर तो वो मान लो, अगर 25 का जगह पे 27 दिसंबर, वो कुछ भी मान सकते हो। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है, आपकी मर्जी है, जो मान लो। सर कर क्या रहे, अभी समझ में आ जाएगा। लिखो तो पहले आप यहाँ पे बेस डेट आपका ये हो गया। फिर मेरे बच्चे हमें इस कॉलम में चाहिए बेस डेट निकालने के बाद डिफरेंसेज, पूरी बात मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंसेज ऑफ ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स, differences of due dates from base date,
ये मैथमेटिक्स है, इस चैप्टर में समझाने को मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा बस और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो बेस डेट हमने एज्यूम किया उससे सारे जो ड्यू डेट्स हैं, ये देखो ड्यू डेट्स आपके हैं, इनके हमें डिफरेंसेज लेने हैं। और फिर मैं लास्ट कॉलम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का बनाऊंगा। सर किसका प्रोडक्ट अभी बता दूंगा, पहले कॉलम के नाम मैंने कंप्लीट कर लिया। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आएगा, 5 मिनट का समय मुझे दो आप यहाँ पे, 5 मिनट का। तो बेस रेट का मतलब क्या होता है, हम इनमें से कोई भी एक आपका बेस रेट मान सकते हैं, इनको छोड़ के भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कैलकुलेशन के नजरिए से जो सबसे अर्लीस्ट होगा उसी को हम बेस रेट मानेंगे। अब एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, देखो मैंने क्या लिखा है, डिफरेंसेज ऑफ ड्यू डेट्स फ्रॉम बेस डेट। मतलब जरा बताओ बेस डेट क्या माना, 13th नवंबर, तो बताओ 13th नवंबर से 13th नवंबर कितना दिन हो जाएगा, सर जीरो, है ना बच्चे, 13th से 13th कितना हो गया, जीरो हो गया आपका। अच्छा बताओ 13 नवंबर से आपका 25th दिसंबर कितना होगा, तो आओ चेक करते हैं, ध्यान दीजिए मैं इसको भी नोट में लिखाऊंगा। जब हम डिफरेंसेज निकालते हैं ना बच्चे, तो बेस डेट को काउंट नहीं करते, काउंटिंग आपका बेस डेट के बाद शुरू होगा, बेस डेट के बाद शुरू होगा। तो जरा बताओ 13 नवंबर के बाद 25 दिसंबर कितना आता है, सर नवंबर में 30 तारीख होते हैं, 30 दिन होते हैं सर, अगर 30 में 13 को आप हटा दो तो 17 डेज तो नवंबर में कवर हो गया आपका, है ना, 17 आपका, और दिसंबर का कितना बता रहा है, 25, तो ये टोटल कितना हो गया जी, 42 डेज, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे 42 डेज का डिफरेंसेज निकल गया। दोबारा देखो क्या लिखा है हमने, डिफरेंसेज निकाल लें ड्यू डेट्स का फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से ड्यू डेट कितना दूर है वो निकाला जा रहा है, तो हमारा कितना हो गया जी, 42 डेज का। अगला चेक करेंगे आप, 13th नवंबर से आपका 7th फरवरी, चेक करो जरा बताओ नवंबर में कितने दिन हो गए आपके, सर नवंबर में अभी आपने कहा था 30 में 13 को हटा दो तो 17 डेज आपका, ठीक है। दिसंबर में कितने हो गए, 31, जनवरी में जरा बताओ कितने हो जाएंगे, सर 31, और देखो ना 7th फरवरी यानी कि 7 दिन आपने यहाँ पे लिया, 7 दिन यहाँ, जरा बताओ कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे, तो सर 17 प्लस आपका 31 प्लस यहाँ पे 31 और प्लस आपका 7, सर ये आ गया 86 डेज, लिखो यहाँ पे 86 डेज। अब जरा बताओ कि 18th मार्च क्या निकल के आएगा फ्रॉम 13th नवंबर, ये देखो नवंबर में इतने दिन, दिसंबर, जनवरी, जरा बताओ फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, सर 28 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, और मार्च में वो कितना बता रहा आपको यहाँ पे, 18th, ऐड करो बताओ कितना निकल के आ गया। सर एग्जाम में ऐसे दिखाना नहीं दिखाना बच्चे, ये तो आपके लिए बता रहा हूँ, आप तो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 28 और प्लस आपका 18 डेज, पर बच्चे ये आ गया 125 डेज आपका, 125। फिर आइए जरा 11th मार्च काउंट करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पे आपका 31 डेज हो गया, अप्रैल में जरा बताओ कितने दिन हो जाएंगे, सर 30 दिन, और जरा बताओ मई में कितने आपके हो गए, 11 डेज आपका, बताओ कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो 17 प्लस आपका 62 प्लस यहाँ पे 28 प्लस आपका 31 प्लस आपका 30 एंड प्लस आपका 11, मेरे बच्चे ये आ गया 179 डेज, लिखो यहाँ पे 179 डेज। तो ये हमारे अमाउंट है, ये हमारे डिफरेंसेस निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है जी, प्रोडक्ट निकालना बच्चे, सुन लो मेरी बात, अभी क्लियर कर दूंगा 5 मिनट में, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, सब कुछ नोट वाइज मैं आपको निकालूंगा मतलब लिखाऊंगा, आपको सुनना मेरी बात है ना। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, सर किसका प्रोडक्ट, देखो अगर मैं इससे कह दूं ये कॉलम ए है, और अगर मैं इससे नाम दे दूं कॉलम बी, तो मेरे बच्चे मैं ए इंटू बी का प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ए इंटू बी का प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला जा रहा है, जरा बताओ कितना निकल के आ जाएगा, 6000 इंटू जीरो आपका जीरो हो गया, जरा बताओ 5000 इंटू आपका 42 कितना निकल के आ गया, सर 2,10,000। अच्छा बताओ 4000 इंटू आपका 86 कितना निकल के आ गया, 3,44,000 का अमाउंट, यहाँ बताओ कितना आ गया, सर ये तो 2,50,000 आ गया। अच्छा बताओ लास्ट वाला कितना, तो 3000 इंटू 179, सर ये आ गया 5,37,000, लीजिए 5,37,000। बच्चे हम ऑलमोस्ट आंसर के करीब हैं। अब एक काम करो, ये जो आपका टोटल आया ना अमाउंट, जरा बताओ समेशन ऑफ अमाउंट, आपको पता है ना बचपन में आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे साइन समेशन का होता है, बताओ ये कितना निकल के आया टोटल आपका, हम टोटल भी लिख सकते थे, कितना 20,000 आ गया ना,
चेक कर लो सर। हाँ जी, अच्छा बताओ प्रोडक्ट का टोटल कितना निकल के आ रहा है? प्रोडक्ट का टोटल आपका तो 537 प्लस 250 का अमाउंट, प्लस आपका 344,000 का अमाउंट, और प्लस आपका यहाँ पे 210,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे ये अमाउंट आ गया 1341,000 का, 1341। अब देखो जरा कैसे मैं निकालता हूँ यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट। शुरू करेंगे आप यहाँ लिखना मेरे साथ, एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाला जाएगा। एवरेज ड्यू डेट देखो ना मेरे बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है छोटा सा, मैथमेटिक्स है, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। वो कहता है कि आप लीजिए बेस डेट, यानी कि जिसको आपने पहले बेस माना था वो डेट लो, और कहते हैं कि प्लस करो आप यहाँ पे क्या जी, तो कहते हैं कि समेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट। और जरा बताओ कि ये जो हमने डिफरेंसेस निकाले थे ये डेज में थे, मंथ्स में थे, या फिर ईयर में थे? सर ये डेज में थे, तो मेरे बच्चे ये डेज लिखा जाएगा। अगर ये आपने मंथ्स में निकाले होते तो मंथ्स आता, अगर ये ईयर में होता तो मैं ईयर लिखता। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं देखूंगा, फिलहाल आपका ये निकल के आया मेरे बच्चे। इसी को कहा जाएगा ये क्या है जी, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। समेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आया उसका टोटल आपका। आओ ना जरा बताओ बेस डेट क्या निकल के आ रहा है सर, 13th नवंबर 2012 यहां लिखो प्लस। आप बताओ प्रोडक्ट का टोटल कितना आया, तो 1341,000। ठीक है जरा बताओ अमाउंट का टोटल कितना आया, 20,000। और इसी को हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, डेज, डेज। तो बताओ 13th नवंबर 2012 जरा बताओ ये कितने दिन आ गए सर, 13,41,000 को अगर हम 20,000 से डिवाइड करते हैं तो सर ये 67.05 डेज निकल के आ रहे हैं, है ना बच्चे। ये देखो पॉइंट के बाद 0.5 है, अगर पॉइंट के बाद 5 या उससे ज़्यादा होता तो हम आगे जाते हैं, 0.5 से कम तो पीछे, क्योंकि 0.5 से कम है ये 0.5 है, इसलिए आप इसे कह देंगे 67 डेज अप्रोक्स। यानी कि हमें क्या करना है जी, सिर्फ 67 डेज काउंट करना है। तो बताओ 13 नवंबर से जरा काउंट करना क्या निकल के आएगा सर, नवंबर में आपका 30 दिन होता है तो 17 डेज तो सर नवंबर में आ गया, दिसंबर में आपका आ गया 31 डेज, तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया 48। हमें 67 में बताओ और कितना चाहिए, तो सर 67 में अगर 48 निकल गया दिसंबर तक तो सर अभी 19 डेज बच गया है, ये जनवरी आ गया, 19 जनवरी। मतलब अगर 13 नवंबर में 67 डेज में काउंट करूंगा तो मेरे बच्चे 19 जनवरी 2013 आपका निकल के आया, और यही हमारा क्या कहा जाएगा जी, एवरेज ड्यू डेट। लीजिए हमने काम पूरा किया बच्चे, यहाँ पे छोटा सा मैथमेटिक्स हमने कहा था, यानी कि अगर आपका 13 नवंबर को पेमेंट होता है ना, अगर लेन देन होता है, सेटलमेंट होता है, तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। अब ध्यान दो, एवरेज ड्यू डेट निकालते समय हम लोगों ने क्या किया, एक तो जो ड्यू डेट्स है उसको भी कंसिडर किया, और हमने अमाउंट को भी कंसिडर किया, उसी से हमने सारा अमाउंट निकाला हुआ है। तो ये आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि ये फॉर्मूला आपका लगेगा जी एवरेज ड्यू डेट पे, बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय समेशन ऑफ अमाउंट इन डेज। अगर हमने कैलकुलेशन डेज में किया तो डेज लेंगे, मंथ्स होता तो मंथ्स, ईयर तो ईयर। अभी क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल बातें डेज पे निकल के आए। प्लीज कॉपी करें, यहाँ पे आप कॉपी करें। सर ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है सर, लॉजिक बताओ ना इसका क्या निकल के आया, ऐसा क्यों किया? कोई लॉजिक नहीं बच्चे, ये मैथमेटिक्स है। जैसे आप जानते हो ना कि 2+2 आपका 4 होता है, उसी तरीके से हमने वही काम किया। एक मैथमेटिक्स है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जिसको हम समझ रहे हैं। आप कल को किसी बैंक में काम करने जाएंगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट आती है। हम आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, प्लीज कॉपी कर लो। अच्छा आओ जरा मैं आप कुछ नोट आपको लिखा दो यहाँ पे, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं। लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे नोट नंबर 1, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे आंसर के बाद नोट नंबर 1 लिखना। इफ अ पर्सन ओज नंबर ऑफ लोन्स पेबल ऑन डिफरेंट डेट्स
डेट्स, डिफरेंट डेट्स, फुल स्टॉप, इफ ही वांट्स टू पे द होल अमाउंट, होल अमाउंट, इफ ही वांट्स टू पे द होल अमाउंट ऑन अ सिंगल डे, सिंगल डे विदाउट एनी लॉस टू इधर पार्टी, इधर पार्टी, फुल स्टॉप, दैट डेट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। मेरे बच्चे, जिस दिन पे अगर हम पेमेंट करते हैं जिससे किसी पार्टी को नुकसान ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज ड्यू डेट। आपका नोट नंबर वन लिखेंगे आप यहां पे। नोट नंबर टू, आपने खास बात देखा कि जब भी हमने ड्यू डेट्स निकाला था, ध्यान दीजिए मेरी बात यहां पे, जब ड्यू डेट्स निकाला था तो देखो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया बच्चे, हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। मतलब ड्यू डेट्स को निकालते समय बिल के केस में हमने क्या क्या काउंटिंग नेक्स्ट डे से शुरू किया, लिखेंगे यहां पे। नंबर टू, व्हाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट्स ऑफ बिल कॉमा डेट ऑफ बिल ड्रोन, बिल ड्रोन, डेट ऑफ बिल ड्रोन इज एक्सक्लूडेड, इज एक्सक्लूडेड। हम डेट जो है बच्चे जिस भी लिखा था उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो ड्यू डेट्स ऑफ बिल निकालते समय ध्यान दीजिए, जब हम इस डेट को निकालते हैं तो हमने क्या किया था, डेट ऑफ बिल ड्रोन को एक्सक्लूड किया था बच्चे, एक्सक्लूड किया था। फिर लिखेंगे आप यहां पर नोट नंबर थ्री, नोट नंबर थ्री याद करो, जब हमने डिफरेंसेज निकाला था ड्यू डेट्स का फ्रॉम बेस डेट, जब हमने डिफरेंसेज निकाला था ड्यू डेट फ्रॉम बेस डेट आपका, तो बेस डेट को भी हमने एक्सक्लूड किया था। यानी कि काउंटिंग हमारी जो शुरू हुई थी वो बेस डेट के बाद शुरू हुई थी। तो लिखेंगे आप पॉइंट नंबर थ्री यहां पे, व्हाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंसेज ऑफ ड्यू डेट्स फ्रॉम बेस डेट, कॉमा, इसको डाल दो इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे आपका इन्वर्टेड कॉमा में, कहते हैं कि बेस डेट, इज एक्सक्लूडेड। बेस डेट को हम क्या करते हैं यहां पे, एक्सक्लूड करते हैं बच्चे, यानी कि काउंटिंग जो शुरू होगा बेस डेट के, बेस डेट के बाद होगा। नोट नंबर फोर्थ, नोट नंबर फोर्थ, सर एक बात बताओ, क्या बेस डेट हमेशा हम पहला वाला लेंगे? हमने कहा था नहीं, हम कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी डेट ले सकते हैं। तो लिखो फोर्थ में कि बेस डेट, कैन बी, टेकन, एनी डेट, बट इट इज प्रेफरेबल, टू टेक, अर्लीएस्ट डेट। अर्लीएस्ट का मतलब जो सबसे पहले आएगा, अर्लीएस्ट डेट एज बेस डेट, फॉर सिंपल कैलकुलेशन, मेरे बच्चे अगर अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करना तो फिर ये काम करना, अदरवाइज पता क्या होगा, अगर मैं ये काम नहीं करता ना तो उस केस में क्या होगा, मान लो बेस डेट 13 नवंबर के जगह पे मान लो मैं 7 फरवरी लेता, मान लो 7 फरवरी, तो पता है कुछ जो डेट्स है ना वो नेगेटिव में आ जाते हैं, कुछ आपके पॉजिटिव में आ जाते हैं, थोड़ा हौचपुच बनता है। इसलिए बेस्ट क्या होता है कि आप स्टार्टिंग का डेट लीजिए, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, वो प्लस माइनस का चक्कर यहां पर खत्म हो जाएगा, आई बात समझ में सर? हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात और कहना था आपसे, ये ड्यू डेट्स निकालते समय हमें कुछ बात ध्यान देनी पड़ती है मेरे बच्चे। वो बात क्या देनी होती है मैं आपको यहाँ पे मिटा के बताता हूँ। चार पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, अब मैं आपको पांचवा पॉइंट बताता हूँ। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर फाइव, कॉन्सेप्ट ऑफ, ग्रेस पीरियड, आपने पढ़ा था बचपन में, ग्रेस पीरियड व्हाइल,
while calculating due dates ऑफ बिल। ये ड्यू डेट्स जो निकाला आपने, इसको निकालते समय हमें ग्रेस पीरियड के बारे में हमें क्या ध्यान देना होता है, जरा उसको देख लें। तो लिखो पांचवे में पॉइंट नंबर ए, यहां पे नंबर ए कहते हैं कि थ्री डेज ऑफ ग्रेस पीरियड इज एडेड टू कैलकुलेट ड्यू डेट्स को निकालते समय हम लोग क्या करते हैं बच्चे, तीन दिन यहां पे ऐड करते हैं। लेकिन फुल स्टॉप के बाद नंबर बी लिखेंगे आपका, इफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट्स आगे ब्रैकेट में आफ्टर एडिंग थ्री डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, इस तीन दिन को ऐड करने के बाद ब्रैकेट क्लोज्ड, इफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट इज ऑन प्लान्ड होलीडे। मेरे बच्चे प्लान्ड होलीडे का मतलब होता है जो आपका पहले से प्लान है। फॉर एग्जांपल जैसे कि संडे हो गया, मान लो हमारा छुट्टी का दिन है, या फिर आपका यहाँ पे मान लो कोई नेशनल होलीडे हो गया, कोई गेजेटेड होलीडे हो गया, कुछ भी आपका मेरे बच्चे जो पहले समय पता है कि छुट्टी आपका होना ही होना है। तो कहता है कि इफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट इज ऑन ए प्लान्ड होलीडे कॉमा देन ड्यू डेट इज टेकन वन डे बिफोर द प्लान्ड होलीडे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कहते हैं कि अगर ड्यू डेट आपका प्लान्ड होलीडे को पड़ता है, तो अगर आपको पहले से पता है कि ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो डेट आपका आने वाला है वो आपका छुट्टी का दिन है बच्चे, तो उस केस में प्रीपोन्ड करेंगे। ड्यू डेट को हम पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको तीन दिन का समय ही हम देते हैं जी कि कहीं छुट्टी पड़ गया, ये हो गया, वो गया, तो फिर आप ये काम करना। तो जब पहले से पता है कि तीन दिन को ऐड करने के बाद आपका जो ड्यू डेट आएगा वो एक प्लान्ड होलीडे को पड़ रहा है, तो आप उसको प्रीपोन्ड करोगे, यानी कि पहले करोगे। लेकिन नंबर सी लिखना, इफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट आगे ब्रैकेट में आफ्टर एडिंग थ्री डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ब्रैकेट क्लोज्ड इज ऑन अ सडन होलीडे। मान लो कोई सडन होलीडे हो गया हमारे कंट्री के अंदर में, मान लो आपका स्ट्राइक हो गया बच्चे, बैंक में लॉकआउट्स हो गए, कुछ दंगा हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, और उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। तो कहते हैं कि इज ऑन सडन होलीडे कॉमा देन ड्यू डेट इज पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट नॉर्मल डे का मतलब होता है, फिर हम उसको आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि समझो ना, अगर वो आपका प्लान्ड होलीडे है तो तुम्हें पहले से पता था, हम पीछे की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सडन होलीडे हो जाए फिर मैं क्या करूँगा, फिर आगे तो जाना पड़ेगा। तो जिस दिन आपका नेक्स्ट नॉर्मल डे होगा उस दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ड्यू डेट माना जाएगा। बात समझ में आ गई, सबको यूज दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे निकल के आएगा। फिर लिखो जरा यहाँ पे इसके बाद, अभी कितने पॉइंट्स हो गए, सी ना, अब लिखिए मेरे साथ यहाँ पे डी पॉइंट। लिखेंगे आप यहाँ पे डी पॉइंट, ये आपको ध्यान देना पड़ता है, एग्जाम में परेशान करने के लिए पॉइंट्स डालते हैं आपके, डी लिखना। इफ डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड आर डिफरेंट। मेरे बच्चे कभी कभी क्या होता है, हमने यानी कि ड्रॉवर ने बिल आज तो लिख दिया, मान लो मैं दिल्ली में हूं और मैंने बिल आज लिख दिया, लेकिन उस बिल पे सिग्नेचर मुंबई में जाके होना है, ड्रॉई वहां पड़ा हुआ है।
तो मेरे बच्चे आज हमने बिल लिखा, हो सकता है कि बिल पे जो फाइन होगा, एक्सेप्टेंस होगा, आज से 4-5 दिन के बाद होगा। तो कहते हैं कि अगर डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल लिखा गया और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जब बिल आपने एक्सेप्ट किया, अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट हैं तो कहते हैं कॉमा देन बिल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। उस केस में बिल को हम दो पार्ट्स में, दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सर वो कौन से दो टुकड़े जरा बताओ ना। तो मेरे बच्चे दो टुकड़े जो आपका है, कहते हैं कि वो बिल आपका दो तरीके का होगा। या तो क्वेश्चन में कहेगा आफ्टर डेट बिल, ये वर्ड उसमें लिखा होगा, या फिर कहेगा आफ्टर साइट बिल। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, या तो कहेगा आफ्टर डेट, जब भी बिल में जिस दिन बिल लिखा गया और जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ, दोनों अगर अलग अलग दिन होगा, क्वेश्चन बताएगा आपको, चिंता नहीं करना। तो अगर वो आफ्टर डेट बिल है तो मेरे बच्चे कहा गया कि इस केस में लिखे ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बिल ड्रॉन। मेरे बच्चे उस केस में आप क्या करेंगे, जो ड्यू डेट की काउंटिंग होगी वो डेट ऑफ बिल ड्रॉन से होगा, लेकिन अगर उस पर आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो कहते हैं कि ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। सुना मेरी बात यहाँ पे आपका? तो कहते हैं ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया अभी तक 4 पॉइंट्स। एक तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको हमेशा ऐड करना है जी। लेकिन कहता है बी में कि अगर ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट आएगा, अगर वो आपका प्लान्ड हॉलीडे है, प्लान्ड हॉलीडे मतलब पहले से डिसाइडेड है, तो ड्यू डेट को प्रीपोन करेंगे। अगर वो सडन हॉलीडे होगा तो हम उसको पोस्टपोन करेंगे। अगर मान लो डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में बिल में दो बातें में से कोई एक बात हमें मेंशन करना पड़ता है। अगर उस पर लिखा हुआ कि आफ्टर डेट बिल, तो मेरे बच्चे ड्यू डेट की काउंटिंग जिस दिन बिल लिखा गया उससे होगा। अगर वो आफ्टर साइट कहेगा तो जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया उस दिन से काउंट किया जाएगा बिल एक्सेप्टेड से। एक काम करता हूँ, डी के अंदर में ही इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल यहाँ पे, डी के अंदर में ही लिखो यहाँ पे, कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ फॉलोइंग बिल्स। कहता है कि ये जो बिल्स हैं, जरा बताओ इनका ड्यू डेट क्या निकल के आएगा, ड्यू डेट आपका। तो कहता है यहाँ पे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, लिखिए यहाँ पे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, पहला कॉलम बता रहा आपको। दूसरा कॉलम कहता है कि डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, ध्यान दो जिस दिन बिल हमने लिखा और जिस दिन साइन किया, दोनों कहता है कि अलग अलग है। ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन है, वो कहता है डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड है, और कहता है कि जो आपका पीरियड बता रहा बिल का वो कुछ इस तरीके का। और एक काम करेंगे, यही मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यू डेट हमारा क्या निकल के आएगा, मतलब ये लास्ट वाला हमारा आंसर का कॉलम है। मान लो ये कहता है कि 12th मार्च 2017 आपका 17th डेट ऑफ बिल ड्रॉन, और यहाँ कहता है बच्चे मान लो 18th मार्च 2017 बिल आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। फिर कहता है यहाँ पे अच्छा मुझे एक कॉलम और बनाना था, वो कौन सा बिल आपका है। तो मैं एक काम करूँ, चलो मैं आगे देख लूँगा, मुझे कॉलम की रिक्वायरमेंट आएगी, मिटा लेंगे, पहले यहाँ लिख लें हम लोग जी। फिर कहता है मान लो डेट ऑफ बिल ड्रॉन कहता है आपका यहाँ पे 19th अप्रैल 2017, और यहाँ कहता है कि जो एक्सेप्ट हुआ वो मान लो 25th यहाँ पे अप्रैल 2017। बोलता बताओ आपका पीरियड जो है बच्चे, ये कहता है कि 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का, और ये कहता है कि मान लो आपका 2 मंथ्स का बिल है, 2 मंथ्स का। आपको ड्यू डेट्स निकालना है। अब मैं कहाँ लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहीं कर दूँ क्या। मान लो ये कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये आफ्टर डेट बिल है, लिख दो यहाँ पे समझने के लिए, और इसको कहता है कि आपका आफ्टर साइट बिल है। मेरे बच्चे आफ्टर साइट, आप चिंता नहीं करना, ये हमेशा मेंशन होगा। जब भी डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड अलग अलग होंगे तो पक्का बताएगा बिल आपका आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, आपको चिंता नहीं करना। अब जरा देखो ना, पहला वाला जो बिल है आपका फर्स्ट बिल, ये कहता है कि आफ्टर डेट बिल है,
आफरेट में पहले बता दूं, ये कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब बिल लिखना और बिल एक्सेप्ट करना दोनों अलग अलग दिन पे होगा। अगर दोनों अलग अलग होगा तभी ये कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे, अदरवाइज इस बात को मेंशन नहीं करेगा, आप चिंता नहीं करना। तो कहते हैं कि अगर वो आफरेडेट बिल है तो चला बताओ, ये देखो यहां पे ड्यू डेट कब से काउंट किया जाएगा? सर जिस दिन बिल लिखा गया है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। ये देखो 12 मार्च को आपने बिल ड्रॉ किया है, बताओ 12 मार्च से अगर मैं 3 महीना काउंट करूं तो क्या होगा? सर 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून और 3 दिन ग्रेस, कितना हो जाएगा जी? 15 जून, यानी कि मेरे बच्चे 15/6/2017 यहां पे ड्यू डेट्स निकल के आएंगे। बात समझ आ रहा है? अगर क्वेश्चन में कहता है आफ्टरडेट बिल है तो ड्यू डेट की काउंटिंग कब होगा? जब से बिल लिखा गया। लेकिन कहता है कि आफ्टर साइट, साइट देखने के बाद, साइट मतलब क्या? देखने के बाद। तो देखो उस केस में अगर ये आफ्टर साइट होगा तो ड्यू डेट की जो काउंटिंग होगा फ्रॉम डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जब बिल आपने एक्सेप्ट किया तब से काउंट किया जाएगा। बताओ ये बिल एक्सेप्ट कब हुआ है? सर यहां पे 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल से 2 महीना काउंट करना, तो मई जून यानी कि 25 जून और 3 दिन ऐड करना जी, तो 28 जून 2017 यहां पर निकल के आया। बात समझ में आ रही है? अगर डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड दोनों डिफरेंट है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में बताएगा कि ये बिल आपका ऑन डेट है या आफ्टर डेट है, सॉरी आफ्टर डेट है या फिर आफ्टर साइट है, उसके हिसाब से हम काम कर जाएंगे। आप प्लीज यहां तो कॉपी करें, ये हमारा डी पॉइंट था। मुझे एक पॉइंट और लिखना है मेरे बच्चे, एक पॉइंट और लिखना है, तो अब मैं इसको भी मिटा देता हूं और यहीं पे पॉइंट नंबर ई को आपको दिखाता हूं, पॉइंट नंबर ई को आपको दिखाते हैं। तो आओ जरा अब मैं पॉइंट नंबर ई पे आता हूं, पॉइंट नंबर ई पे, इसके बाद लिखिए मेरे साथ यहां पे पॉइंट नंबर ई, लिखेंगे मेरे साथ यहां पे पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई कहता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, कहता है कि इफ द बिल, द बिल इज पेबल, पेबल ऑन डिमांड, ध्यान से ऑन डिमांड विद इन इनवर्टेड कॉमा ऑब्लिक ऑन प्रेजेंटेशन ऑब्लिक, कहता है कि ऑन साइट, ऑन साइट, ऑन साइट, कहता है इस केस में कॉमा देकर, देन देन ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड ऑफ थ्री डेज इज नॉट एडेड, इज नॉट एडेड टू टू द ड्यू डेट्स। बात समझ में आ रही है बच्चे? आप ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कहता है कि ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब ये हो गया कि जिस दिन हमने डिमांड कर दिया उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ऐसा थोड़े होगा कि हम आज आपको डिमांड कर रहे हैं एग्रीमेंट के मुताबिक और आप कहोगे कि नहीं भाई आप 3 दिन के बाद आना, ऐसा नहीं होता है। ऑन डिमांड बिल का मतलब ये हो गया कि जिस दिन हमने डिमांड कर दिया उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन प्रेजेंटेशन, जिस दिन हमने प्रेजेंट कर दिया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन साइट, जिस दिन हमने आपको दिखा दिया, आफ्टर साइट नहीं, ऑन साइट, जिस दिन हमने आपको दिखा दिया उस दिन पेमेंट करना होगा। अगर बिल में ऐसे 3 में से कोई वर्ड यूज किए गए हैं तो ग्रेस पीरियड को हम वहां पे फिर ऐड नहीं करते, जो एक्चुअल ड्यू डेट आएगा वही ड्यू डेट मारा जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, सर हाँ जी। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला जी, ड्यू डेट को निकालते समय डेट ऑफ बिल ड्रॉन को हम इंक्लूड नहीं करते, काउंटिंग नेक्स्ट डे से शुरू करते हैं। बेस डेट हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन अच्छा होगा अर्लीस्ट लेना, और डिफरेंसेज को निकालते समय बेस डेट के बाद से काउंटिंग शुरू होते हैं, हम उसके पहले काउंटिंग नहीं करते। पर बच्चे चैप्टर अगर देखा जाए तो खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं इसमें कराने के लिए। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि क्या क्या निकल के आएगा, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस बच गया। हम 2-4, 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। पता नहीं इस चैप्टर में कौन सी खास बात है कि आप इतने बड़े होने के बाद आपको पढ़ाया जाता है, मैं तो समझ नहीं पाया आज तक, सच्ची बता रहा हूँ, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सी खास बात है कि आपको पढ़ाया जाता है। आओ जरा देखते हैं ये कैसे काम करेगा। शुरू करते हैं हम लोग जी, यहाँ पे शुरू करते हैं। जरा आइए बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने करा दिया, टफ क्वेश्चन करा दिया, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतना ही करना, उसके सिवा कुछ नहीं करना। बच्चे बुक में जितने पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो चुके हैं या हो सकते हैं सब मैंने डाला हुआ है, ठीक है ना। 2 पढ़ना क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहां पे,
ई ओच यानी कि ई ने कर्ज लिया है एफ से द फॉलोइंग अमाउंट 5000 लो, इसने ड्यू डेट ही निकाल के बता दिया 10th मार्च को है, फिर 18000 कर्ज कहता है कि 2nd अप्रैल को है, 60000 कहता है कि 30th अप्रैल को है एंड 2000 कहता है कि 10th जून को, इसने हमें ड्यू डेट नहीं निकाला। अरे पिछला जो क्वेश्चन किया था टफ था बच्चे, आप याद कीजिए, डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया था, पीरियड दिया था, हमने ड्यू डेट्स निकाला था, इसने तो ड्यू डेट से आपको बता दिया है, ड्यू डेट्स आपको बता दिया है और अमाउंट भी बता रहा है। जरा आगे पढ़ना क्या बता रहा है, ही डिजायर्स टू मेक फुल पेमेंट ऑन 30th जून 2013। रुक जाओ, आगे नहीं पढ़ना। अगर वो सारा पेमेंट किसी एक दिन को करना चाहता है तो मेरे बच्चे वो पेमेंट आपका एवरेज ड्यू डेट को होना चाहिए। अगर पेमेंट एवरेज ड्यू डेट को होगा तो किसी भी पार्टी को लॉस नहीं होगा, न लेने वाला न देने वाला। क्या वो एवरेज ड्यू डेट की बात कर रहा? नहीं सर, ये तो कह रहा है कि ही डिजायर्स टू मेक फुल पेमेंट ऑन 30th जून 2013 विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम, करना ही होगा। अगर आप एवरेज ड्यू डेट से बाद में पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। वो कह रहा है कि भैया पेमेंट करना है 10% के हिसाब से फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट, बोलता है फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट और कहता है कि बताओ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। दो बातें बच्चे, एक तो आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना है और क्योंकि शायद पेमेंट देर से हो रहा है उसके बाद हो रहा है इसलिए कहता है बता दो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 10% के हिसाब से। आइए पहला हम एक काम करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट पहले निकालना है। तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, पहले हम ये निकालेंगे फिर ही तो इंटरेस्ट निकल के आएगा एवरेज ड्यू डेट आपका, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, अब हमें देखो यहाँ पे ड्यू डेट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इस कॉलम को निकालना नहीं है। चलो बताओ ड्यू डेट्स क्या क्या बता रहा है, पहला 10th मार्च 2013, अगला कह रहा है जी आपका 2nd अप्रैल 2013, पूरा लिख देता हूँ ये भी इसको ताकि आप परेशान ना हो। फिर कहता है आपका जी 30th अप्रैल 2013 और फिर कहता है आपका 10th जून 2013। ये हमारे ड्यू डेट्स हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाला था, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अमाउंट जरा बताओ कितना कितना बता रहा है, सर पहला वाला 5000 है, दूसरा वाला सर कहता है कि 18000 है, तीसरा वाला कहता है कि 60000 है और लास्ट वाला कहता है कि 2000 है, ठीक है। जरा बताओ अब हम क्या करेंगे सर, एक तो पहले हमें यहाँ पे बेस डेट लेना होगा, बेस डेट बताओ कौन सा डेट लूँ, कोई भी ले सकते हैं सर कोई भी, लेकिन बेस्ट होता है जो चारों में अर्लीस्ट हो, वो 10th मार्च मुझे दिख रहा है तो मैं 10th मार्च यहाँ पे 2013 का हमने बेस रेट लिया। फिर लिखा जाएगा यहाँ पे डिफरेंसेज ऑफ ड्यू डेट्स फ्रॉम बेस डेट हम यहाँ निकालेंगे जी कि बेस डेट से आखिर कितनी कितनी दूरियाँ हैं ड्यू डेट्स की। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट कॉलम क्या बनाते हैं जरा बताइए सर, प्रोडक्ट का। अगर मैं अमाउंट को कॉलम ए कह दूँ और इसे कॉलम बी कह दूँ तो हमें क्या लेना है, ए इंटू बी आपका, फिर तो आगे की बात आप जानते हैं। आइए जरा, क्योंकि हम इससे टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं, तो हम थोड़ा टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट काम करेंगे। बताओ मुझे कि आपका 10th मार्च से 10th मार्च कितना हो जाएगा, ज़ीरो। 10th मार्च से जरा बताओ आपका 2nd अप्रैल कितना होगा, तो सर मार्च में आपका 31 डेज होता है, आपने कहा बेस डेट के बाद काउंटिंग करना, तो बेस डेट 10th मार्च है, हम 10 दिन इसमें हटा देंगे तो सर 21 दिन तो मार्च के हो गए। और अप्रैल में कितना बता रहा जी आपका, 2, यानी कितना हो गया 23 डेज। बात समझ में आ रही है, 10th मार्च के बाद काउंटिंग शुरू करना मेरे बच्चे, तो आपका 21 दिन हो गया मार्च का, 2 दिन अप्रैल का, 23 दिन आपका। अब जरा आ जाओ 30th अप्रैल, तो मुझे बताओ जरा 30th अप्रैल क्या निकल के आएगा, मार्च में कितने दिन हो गए सर, 21, मार्च में कितना हो गया 21, और जरा बताओ अप्रैल में कितना हो गया 30 आपका, यानी कि ये 51 डेज आ गया। लास्ट काउंट करना, मार्च में 21, अप्रैल में आपका 30 और मई में जरा बताओ कितना होता है 31, जून में कितना 10 दिन, कितना आ गया 92 डेज आपका, है ना बच्चे, तो यहाँ पे आ गया 92 डेज। बात समझ में आ रही है सर, हाँ जी, प्रोडक्ट निकालो ना फिर फटाफट काम करेंगे, 0 आ गया। आप बताओ 18000 आपका 23 कितना निकल के आ गया, इट्स 4,14,000। अगला बताइए
60,000 को हमने मल्टीप्लाई किया है 51 डेज से, ये आ गया 30,60,000 का अमाउंट, 30,60,000, और लास्ट वाला 2,000 इंटू आपका 92, ये आ गया 1,84,000 का अमाउंट। बताओ जरा ये अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा समिशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 184 प्लस 30,60,000। गलती ना हो, कल क्वेश्चन पता नहीं गलती आजकल कैसे हो जाता है, 414,000 मेरे बच्चे, अमाउंट आ गया 36,58,000 का अमाउंट, ठीक है ना। मुझे बताओ जरा अमाउंट कितना यहाँ निकल के आ गया, अमाउंट बताइए 85,000 का अमाउंट, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया जी। ये समेशन ऑफ अमाउंट हो गया, ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका हो गया। बताओ जरा हम एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते थे। सर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता था यहाँ पे बेस डेट, जो भी हमने एज्यूम किया है बेस डेट, प्लस सर समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अमाउंट, समेशन ऑफ अमाउंट, और सर ये आपका डेज में आएगा, डेज में, क्योंकि कैलकुलेशन आपने डेज में किया है। बताओ ना बेस डेट कितना है सर, 10th March 2013, ये लिखिए 2013 प्लस प्रोडक्ट का टोटल 36,58,000 का अमाउंट है। जरा बताओ डेज का आपका टोटल कितना आ गया, 85,000। आप इसको डाले डेज में, आपका कैलकुलेशन डेज में हो रहा है, तो बताओ 10th March 2013 के बाद इसमें प्लस कितने दिन आ गए, तो सर 36,58,000 डिवाइडेड बाई 85,000, ये अमाउंट आ गया सर 43.0435 आ रहा है, तो 04 डेज निकल के आ गया है ना, डेज। और अगर मैं इसको बोलूँ अप्रोक्स तो कितना हो जाएगा, 43 डेज आपका निकल के आया, 43 डेज। तो चलो बताओ मुझे यहाँ पे 10th मार्च में ऐड करना कितना हो जाएगा, सर मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 10th मार्च के बाद 21 दिन तो सर मार्च में आ गए, मार्च में, और मार्च के बाद सर फिर अप्रैल आपका, चलो बताओ अप्रैल में कितना बच जाएगा, 22 दिन, तभी तो होगा आपका कितना जी 43, तो 22 यहाँ लिखेंगे 22nd अप्रैल। सर क्या वो ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करोगे, नहीं बदमाश, अरे ग्रेस पीरियड यहाँ थोड़े ऐड होता है, वो तो ड्यू डेट को निकालते समय सिर्फ ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना, 22 अप्रैल 2013 यहाँ पे आ गया एवरेज ड्यू डेट आपका। अगर 22 अप्रैल को पेमेंट होता है तो किसी भी पार्टी को कोई घाटा कोई फायदा नहीं होगा, है ना, ना तो लेने वाले को ना देने वाले को। बात समझ में आ रही बच्चे, अरे आ रही बात समझ में सर, हाँ सर, हाँ चिल्लाओ मत सर, हमें समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। तो लो ना अब क्या बढ़ो, जरा बताओ एवरेज ड्यू डेट हमारा निकल के आ गया। अब हमारा अगला काम जो होगा, अगला काम जो आपका होगा वो कहता है कि भैया इंटरेस्ट निकालो, तो लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्यों जी, तो फॉर डिले, डिले इन पेमेंट। मैं 22 अप्रैल के जगह पे क्वेश्चन के मुताबिक कब इंटरेस्ट पे करना चाहता हूँ, सॉरी कब पेमेंट कर रहा हूँ, 30th जून को। जरा सोचो ना, अगर मैं 30th जून को पेमेंट करूंगा तो वो बंदा हमसे इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा जी। अगर मान लो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना तो फिर यहाँ पेमेंट कीजिए, बट आप डिले कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा। देखो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, मुझे बताओ कर्ज टोटल कितना है सर, 85,000, ये लीजिए 85,000 टोटल कर्ज है। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या वो आपका रेट बता रहा है सर, 10% पर एनम, मुझे सिर्फ इतना बताओ कितने समय का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सर वो जो डिले किया है, वो जो डिले कर रहा है सर, वो कहता है कि पेमेंट करेगा 30th जून को, तो चेक करो ना कि आपका 22 अप्रैल के बाद कितना दिन बनता है सर, अप्रैल में जनवरी फरवरी 30 दिन होते हैं सर, देख लो आप नहीं आता अगर ये पता करने, तो देखो जितने ऊपर वाले हैं ना वो 31 दिन के होते हैं, नीचे वाले जो है बच्चे वो 30 दिन के होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होगा या 29 का होगा, 29 का कब होगा, जब लीप ईयर होगा, लीप ईयर कब होता है, जब उस साल को 4 से डिवाइड करें और वो कट जाए तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ये तो बचपन से सीखा हमने, बचपन से सीखा है। तो जरा बताओ आपका 22 अप्रैल के बाद आपका 30 जून कितना पड़ेगा, तो सर अप्रैल यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन में 22 तारीख के बाद जरा बताओ कितना बच गया, 8 दिन अप्रैल में इंटरेस्ट लग जाएगा जी, मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 31 दिन आपका, और जून में कब पेमेंट कर रहे हैं 30, तो 30 दिन वहाँ कितना हो गया आपका,
69 डेज। तो बच्चे 69 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आउट ऑफ 365 डेज। बताओ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, जरा बताओ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया। तो सर 85,000 का कर्ज, आप कहते हो कि रेट यहाँ पे 10% है और इंटरेस्ट आप कहते हो कि आपका 365 डेज में से कितने का जी, आपका 69 डेज का, तो ये आ गया 1606.84। और अगर हम इसको रुपये में कन्वर्ट कर दें तो 1607 निकल के आएगा बच्चे यहाँ पे राउंडिंग अप में। बात समझ आ रही है, क्योंकि पैसे अगर 0.5 या उससे आगे तो आगे चले जाएंगे, 0.5 से कम तो पीछे चले जाएंगे। आप प्लीज कॉपी करें। आप अगर इस दिन पेमेंट करते हैं कब जी, 22 अप्रैल को, तो मेरे बच्चे कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, बट क्योंकि आप 30 जून को कर रहे हो तो इतना इंटरेस्ट निकल के आएगा। अच्छा अब सुनो जरा, यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट निकालने का फायदा क्या निकल के आया, मेरी बात सुनो, रुको जरा दो मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, सुन लो मेरी बात, अरे आपसे कह रहा हूं सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। अरे पता है इसका फायदा क्या निकल के आएगा बच्चे, अगर आप 10 मार्च से, ध्यान से मेरी बात सुनना, 10 मार्च से 5,000 रुपए पे 30 जून जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उसका इंटरेस्ट निकालो अलग से, 2 अप्रैल से 30 जून पे इस पे इंटरेस्ट निकालो, 10 अप्रैल से 60,000 रुपए पे इंटरेस्ट निकालो 30 जून तक का जब आप पेमेंट कर रहे हो, और 10 जून से 2,000 रुपए आप इंटरेस्ट निकालो 30 जून तक का, तो जितना इंटरेस्ट आएगा मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वो इसी के बराबर आपका होगा, इसी के बराबर, वही तो इंटरेस्ट निकाला हमने बच्चे। तो पता है एवरेज ड्यू डेट का यही फायदा होता है कि बार बार इंटरेस्ट निकालने के बजाय आप क्या करो, पहले चारों का निकाल दो एवरेज ड्यू डेट, और उसी समय से जितना डिले पेमेंट होगा उस समय का इंटरेस्ट काउंट कर लो, बात बन जाएगी यहां पे। सुन लो मेरी बात सर। हाँ जी सर, तो यही आपका एवरेज ड्यू डेट है जो हमने आपको यहां पे बताया, इसमें कुछ है नहीं कराने को, मैं कराऊं भी तो क्या कराऊं, मन तो करता है बहुत कुछ पढ़ाऊं बट कुछ मुझे दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब हम लोग बैठ ही गए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, 6 सर बीच के क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या, कराऊंगा बच्चे सब कराऊंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, लेकिन पहले एक पैटर्न वाले क्वेश्चन तो हम लोग देख लें यहाँ पे, एक पैटर्न वाले क्वेश्चन तो देख लें। तो ये लीजिए मैं इसको हटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराता हूँ, ये लो मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कराता हूँ, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है। 6th क्वेश्चन, 6th पढ़ो जरा क्या बता रहा है। पता है ये जो पिछला क्वेश्चन था अभी जो हमने किया, इसमें वो पेमेंट डिले कर रहा था बच्चे, डिले कर रहा था, जहां पे 22 अप्रैल आया था पेमेंट किया था 30 जून को, इस पर देखते क्या बता रहा है। 6th क्वेश्चन कहता कि गंगाराम हैज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय पारुल। गंगाराम ने ये बिल एक्सेप्ट किया जी, जो पारुल ने ड्रॉ किया है 8th मार्च, 16th मार्च, 7th अप्रैल एंड 17th मार्च। फिर कहता है इनका बिल का जो पीरियड है वो 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 3 महीने, और हाँ 4,005, 6 and 5 का। कहता है ही वांट्स टू पे ऑल बिल ऑन ए सिंगल डे, ये सारे बिल का पेमेंट किसी एक दिन पे करना चाहते हैं। आपको पता है वो दिन हम कहते हैं एवरेज रेट, जहां पे किसी को घाटा ना हो, फायदा ना हो, लेकिन क्वेश्चन एक गेम खेला आपके साथ। पढ़ो जरा क्या बता रहा है, फाइंड आउट दिस डेट, वो तो पता कर लूंगा, लेकिन कहता है इंटरेस्ट इज चार्ज 18% पर एनम, इंटरेस्ट रेट जो है अगर डिले पेमेंट आपका होगा जी तो 18% होगा, लेकिन ध्यान देना गंगाराम वांट्स टू सेव 150 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, पर बच्चे वो 150 रुपए इंटरेस्ट सेव करना चाहता है, सुन लो मेरी बात, सेव करना चाहता है। आप मुझे बताओ कि अगर वो 150 रुपए सेव करना चाहता है तो पेमेंट वो बाद में करेगा कि पहले करेगा, बोलो ना, पेमेंट बाद में कि पहले, सर वो पहले करेगा, क्योंकि बाद में पेमेंट किया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर आपको इंटरेस्ट सेव करना है तो फिर आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि फाइंड आउट द डेट ऑन विच ही हैज टू अफेक्ट द पेमेंट टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ 150, बोलता बताओ वो दिन कौन सा हो जिस दिन पे अगर वो पेमेंट करेगा तो 150 रुपये 150 का उसको सेविंग हो जाएगा। इस बात का तो पक्का है कि वो डेट मेरे बच्चे पहले आएगा, वो बाद में नहीं आएगा, वो डेट पहले आएगा, बट वो डेट क्या होगा वही हमें यहाँ पे पता करना है। तो आओ जरा शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तो जल्दी से हम यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट को निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 का, और लिख रहे हैं आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट।
हम यहाँ पे जो आपका एवरेज ड्यू डेट है हम उसको पता करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ निकाल रहे हैं मेरे बच्चे एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे, तो आपको पता है ना यहाँ पे तो आपको ड्यू डेट पता करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन एक आपने यहाँ लिखा, पीरियड जो आपका है बिल का वो यहाँ लिखेंगे हम पीरियड आपका, फिर आप यहाँ लिखेंगे जी पीरियड के बाद यहाँ पे ड्यू डेट, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं निकाला था बट उसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, हम वो पता कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट है मेरे बच्चे, उसके बाद आप यहाँ पे जरा बताओ क्या लेंगे, फिर बेस डेट हमें कुछ मानना पड़ेगा, हम कुछ भी मान सकते बट अर्लीस्ट अच्छा रहेगा, और फिर यहीं लिखेंगे जी हम आपका डिफरेंसेज, डिफरेंसेज ऑफ ऑफ ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स फ्रॉम फ्रॉम बेस डेट। तो ड्यू डेट जो है वो बेस डेट से कितने दूर है वो पता करेंगे, फिर लास्ट कॉलम हमारा प्रोडक्ट का बनता है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। आपका बिल कह रहा है यहाँ पे 8th मार्च, लिखिए मेरे साथ जिस दिन बिल लिखा गया 8th मार्च। अगला कहता है कि 16th मार्च, ये आपका 16th मार्च हो गया। फिर कहता है जी आपका 7th अप्रैल, 7th अप्रैल, और फिर कहता है कि 17th मार्च। ये लीजिए हमने चारों बिल का लिख दिया। पीरियड कहता है पहला 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स, दूसरा कहता है कि आपका यहाँ पे 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स, तीसरा वाला जो बिल है वो कहता है कि 5 मंथ्स का है, लिखिए यहाँ पे 5 मंथ्स, और लास्ट मेरे बच्चे कहता है कि 3 मंथ्स का है, ये हो गया आपका 3 मंथ्स, ठीक है ना। चलो बताओ आपके बिल अमाउंट कितने कितने का है। सर पहला 4000 कह रहा है, 4000 यहाँ थोड़ा कर दो नीचे, 4000। दूसरा वाला कितने का बता रहा जी, आपका 5000 यहाँ लिखा, 5000। तीसरा कहता है 6000, यहाँ लिखेंगे आप 6000, और लास्ट वाला कहता है मेरे बच्चे 5000। ये भी हो गया। अब हमें ड्यू डेट निकालने हैं, बताओ 8 मार्च से 4 महीना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 8 जुलाई प्लस 3 11 जुलाई, 11 जुलाई, क्योंकि ड्यू डेट में हम बिल के केस में 3 दिन हम ऐड करते हैं। 16 मार्च से 3 महीना, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 16 जून और 3, तो कितना हो जाएगा 19 जून यहाँ पे निकल के आया। दोबारा देख लो, 8 मार्च से 4, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 8 जुलाई प्लस 3 11, ठीक है। 16 मार्च से 3, 16 अप्रैल, 16 मई, 16 जून और प्लस 3 कितना होगा जी 19, ये भी ठीक है। 7 अप्रैल से 5 महीना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 सितंबर प्लस 3 10 सितंबर यहाँ निकल के आएगा, 10 सितंबर। और 17 मार्च से 3 महीना, अप्रैल मई जून यानी कि 17 जून प्लस 3 20 जून यहाँ पे निकल के आएंगे, 20th जून। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब जरा बताओ आप इसमें से बेस डेट कौन सा मानेंगे? सर जो अर्लीएस्ट होगा, क्या अर्लीएस्ट यहाँ पे 11th जुलाई है? नहीं सर, अर्लीएस्ट मुझे 19th जून दिख रहा है। अर्लीएस्ट का मतलब पहला नहीं होता, अर्लीएस्ट मतलब जो सबसे छोटा डेट यहाँ दिखाई देगा, तो मैं 19th जून को यहाँ पे मानूंगा जी बेस डेट और क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा। टाइम हमारा सेव होगा और कुछ नहीं, आप किसी भी एक को मान के घर में चेक कर लेना, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर वहाँ भी निकल के आएगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे बुक में सोल्यूशन दिया है, कुछ और भी डेट मानते हुए आप करके देख लेंगे। बताओ 19th जून से 11 जुलाई, तो सर बेस डेट हटा दो, जून में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 दिन का होता है, 30 19 सट गया, तो 11 दिन तो जून में आ गया, और जुलाई में फिर से आपका 11, यानी कि 22 दिन हो गए बच्चे, 22 डेज यहाँ पे 22 दिन निकल के आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। आप जरा बताओ 19 जून कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना, ये डेज हटा दो, क्या करना, डेज तो ऊपर लिखा ही हुआ है। उसके बाद जरा बताओ 10th सितंबर क्या हो जाएगा? तो 19 जून से जून में आपका 11 दिन, फिर आपका जुलाई में, जुलाई में कितने दिन हो गए जरा बताइए सर? 31। अगस्त में जरा बताओ कितना आपका हो गया? सर 31। और सितंबर में कितना आपका हो गया? सर 10 दिन यहाँ पे, तो बताओ कितना आ गया? 83 डेज, है ना, तो यहाँ पे आपका 83 डेज निकल के आ गया। अच्छा जरा बताओ फिर 20 जून, तो 19 जून से 20 जून कितना हो जाएगा? एक दिन यहाँ पे। अब फटाफट शुरू करो, 22 into 4000, ये अमाउंट आ गया आपका 88000, ये हमारा नील हो गया, ये आपका 6000,
ये हमारा 6000 इंटू आपका 83 डेज, बच्चे ये आ गया 4,98,000 का अमाउंट, 498, और ये हमारा 5,000 का अमाउंट निकल के आ गया। जरा इसको ऐड करो, बताओ कितना निकल के आ गया। तो सर 498 प्लस 5 प्लस 88,000 का अमाउंट, सर ये आ गया 5,91,000। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका अमाउंट का टोटल कितना आ गया, सर ये आ गया 20,000, यही आ रहा है ना। हाँ जी सर, तो जरा बताओ ना, आप यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट निकालना चाहते हैं, एवरेज ड्यू डेट तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखो हम क्या करेंगे जी। एक तो लेंगे आप बेस डेट, बेस डेट प्लस लिखे समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट, और ये आपका आ जाएगा डेज में, क्योंकि आपने कैलकुलेशन डेज में किया है। जरा बताओ बेस डेट क्या माना था आपने, सर 19th June। अच्छा मुझे ये बताइए कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना निकल के आया, 5,91,000। कोई बताएगा अमाउंट का समेशन कितना आ गया, 20,000, और ये हमने क्या लिखा जी डेज में, ये इन डेज आपका है। तो मेरे बच्चे 19th June में जरा बताओ ये कितने दिन आ गया, सर 20,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सर 29.55 डेज निकल के आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और उससे आगे है, तो ये 30 डेज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो बताओ 19 जून में 30 दिन कितना हो जाएगा, सर जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 दिन का होता है सर, 30 दिन में 19 हटा दो तो यहाँ तो 11 दिन आ गया जून में, और हमें कितना लेना है, 11 के बाद 19 दिन और लेना है तभी तो 30 होगा, यानी कि 19th यहाँ पे जुलाई हो गया, है ना। 19th July आपका निकल के आया मेरे बच्चे, ये हमारा हो गया यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट आपका 19th July। आप प्लीज कॉपी करो यहाँ पे 19th July, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 591 का अमाउंट आपका जो निकल के आ रहा है, कुछ गलत हो रहा लगा कैलकुलेशन बच्चे, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या। तो ये आपका 22 दिन हो गया, 83 डेज हो गया, 1 हो गया, कहाँ गलती कर दी हमने, कहाँ गलती कर दिया, ठीक तो जा रहा है ये, ठीक तो जा रहा है, ठीक है फिर आपका ये ठीक है यहाँ पे। सॉरी क्या निकल के आ गया आपको यहाँ पर जी, 19 जुलाई। तो 19 जुलाई हमने क्या किया यहाँ पे, काम पूरा किया 19 जुलाई काम पूरा किया। अब जरा देखो हमने क्या करना है, एवरेज रेट मेरे बच्चे हमारे पास आ चुका है 19 जुलाई। अब हमें जरा बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला था, सर क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि आपको यहाँ पे 150 रुपये इंटरेस्ट सेव करना है, 150 रुपये। तो बताओ पेमेंट ऑफ ड्यू डेट क्या होगा, तो देखो मैं कैसे करूँगा, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लो 19 जुलाई हो गया सर। देखो जरा मैं इसके बाद आपको बताऊँ इसका क्या करना हमने, जरा बताओ ये हो गया सबका सर। हाँ जी, अब लिख रहे हैं आपका कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए यहाँ पे हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट टू सेव, टू सेव रुपीज 150 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आपका 150 रुपये है इसको सेव करने के लिए वो डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बच्चे। देखो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जरा मुझे ये बताओ टोटल कर्ज कितना है, सर 20,000 रुपये। मुझे ये बताओ कि आपका जो इंटरेस्ट यहां बनेगा, इंटरेस्ट जो बनेगा पर एनम, पर एनम वो कितना बनेगा आपका, अगर 20,000 पे जो टोटल कर्ज हमने लिया है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा क्वेश्चन में, सर 18%। तो बताओ 18% के हिसाब से पर एनम इंटरेस्ट कितना बन गया, सर 3600 इतना बन गया बच्चे, 3600 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया पर एनम। अच्छा बताओ फिर आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो आपका पर मंथ कितना हो जाएगा, पर मंथ सर एक साल का इंटरेस्ट 3600 है, एक साल में सर 12 मंथ्स होता है, तो पर मंथ सर इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया जी, 300 रुपीज़ का अमाउंट, पर मंथ इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपीज़ का अमाउंट। अच्छा बताओ अगर पर मंथ इंटरेस्ट 300 रुपये है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका पर डे कितना बनेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले पेमेंट करना है बच्चे। तो देखो 300 रुपये जो आपका है, अगर क्वेश्चन आपको ना बताए कि एक महीने में कितने दिन, तो हमेशा 30 दिन मानते हैं पूरे अकाउंटेंसी में,
यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट पर डे निकालना है और ये एक महीने का इंटरेस्ट है तो 30 डेज से डिवाइड करना होगा, यानी कि रुपीज 10 निकल के आया पर डे आपका इंटरेस्ट। एक दिन का जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है मेरे बच्चे वो 10 रुपये चार्ज हो रहा है। एक दिन का इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है? 10 रुपये चार्ज हो रहा है, 10 रुपये चार्ज हो रहा है। सुन लो मेरी बात, सुन हाँ, तो मुझे बताओ ना, अगर इंटरेस्ट पर डे आपका 10 रुपये है और आप 150 रुपये इंटरेस्ट सेव करना चाहते हो, एक दिन का इंटरेस्ट 10 रुपये, तो 150 रुपया इंटरेस्ट कितने दिन में चार्ज होगा? यानी कि आपका इंटरेस्ट टू सेव, लिखेंगे यहां पे टू सेव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 150, कहता है कि पेमेंट शुड बी मेड कितना जी? तो जरा बताओ, एक दिन में 10 रुपये, तो 150 रुपये सेव करने के लिए आपको कितने दिन पहले पेमेंट करना होगा? सर 15 डेज। पेमेंट शुड बी मेड 15 डेज बिफोर द एवरेज ड्यू डेट। अच्छा, ये 15 डेज कैसे निकल गया? अगर आपको समझना तो लिख दो ब्रैकेट में डेट इज कितना जी, 150 का इंटरेस्ट सेव करना है, एक दिन का इंटरेस्ट 10 रुपये है, तो कितना आ गया 15 डेज, 15 दिन पहले आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो लिखो जरा, देयरफोर डेट ऑफ पेमेंट जरा बताओ क्या आपका हो जाएगा? सर अगर मैं 15 डेज पहले इंटरेस्ट सेव करना पहले पेमेंट करना चाहता हूँ, तो 19 जून में 15 दिन हटा दो, यानी कि 4th जुलाई को मुझे चेक पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं 4th जुलाई को पेमेंट करूंगा, 15 दिन पहले पेमेंट करूंगा, तो ही हमें 150 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पे सेव होंगे सर, ऐसा क्वेश्चन हमें कहता है। आई बात समझ में? सर अब समझ में आया। लेकिन सर पता है, अगर कुछ क्वेश्चन और भी हो जाता तो हमें मज़ा आता सर, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और भी करा देते तो हमें बहुत मज़ा आ जाता सर। तो आओ ना, मैं देखता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके लिए जहाँ पे आपको सच्ची में मज़ा आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं मज़ा दूँ भी तो कैसे दूँ, कुछ है नहीं बच्चे। चलो फिर भी एक ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ट्राई करते हैं अच्छा क्वेश्चन में। जरा आ जाओ बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 16th, आप जरा 16th क्वेश्चन पे आप आइए बुकलेट के अंदर में। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ सर? हाँ, देखो अभी तक सारे क्वेश्चन डेज में हमने किया था ना बच्चे, कहाँ गया ये आपका डेज में था, तो हमने यहाँ डेज लिखा था, मैंने कहा था कि जिसमें भी कैलकुलेशन होगा उसी में आपको लेना होगा। तो आओ चेक करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के, डेज के बजाय अगर मान लो मंथ्स या ईयर में होगा तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम वो भी चेक कर लेते हैं क्या जाता है। ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया। अब जरा आ जाओ बुक के अंदर में, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16th, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16th का, पढ़ेंगे आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कहता कि अश्वनी टुक अ लोन ऑफ 1,40,000 फ्रॉम महेश ऑन 1st जनवरी 1987। ठीक है जी, 1,40,000 का लोन लिया आपने। कहता है कि दिस लोन इज टू बी रिपेड इन 7 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बच्चे, यानी कि आप बताओ 1,40,000 का लोन है और 7 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, तो कितना बनेगा सर? 140/7 यानी कि आपका कितना हो गया 20,000 रुपये, है ना बच्चे। फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट, कहता है कि अगर पहला इंस्टॉलमेंट जो है इज पेड ऑन 1st जनवरी 1988, वो तो होना ही था, जब एनुअल होगा तो एक साल के बाद ही होगा। आओ जरा 16th में लिख दो पहले ऊपर में यहाँ पे आपके लिए कि एनुअल इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, पहले उसको हम देख लें यहाँ पे। बताओ 140 है और हमें 7 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो कितना निकल के आ गया 20,000। अब लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। मैं यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट को निकालूंगा, तो आप लिखो मेरे साथ यहाँ पे पहले आपका डेट ऑफ बिल, माफ कीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बिल नहीं, ड्यू डेट सीधे दिया हुआ है, पेमेंट आपका जब करना है तो यहाँ लिखा आपने ड्यू डेट्स, ठीक है ना। अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेस डेट लेते हैं, बेस डेट, और फिर हम निकालते हैं डिफरेंसेज
differences of due dates from base date से हम यहाँ differences निकालेंगे और last column आपका किसका बन जाएगा जी सर product का तो बताओ due date क्या हो जाएगा सर ये पहला कहता है कि first January यानी कि ये हो गया first January 1988 बहुत पहले के question exam में आया हुआ है फिर first January आपका 1989 now first January 1990 first January 1991 first January 1992 first January 1993 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड first January 1994 ये हमारे हो गए ड्यू डेट्स यहां पे बात समझ में आ रही है सर हां जी अच्छा बताओ अब आपका अमाउंट कितना कितना है अमाउंट आपका सर इंस्टॉलमेंट तो 20,000 वाले हैं तो सारे इंस्टॉलमेंट जो है मेरे बच्चे वो 20,000 वाले हैं आप इसको लिखें यहां पे 20,000 वाले सात इंस्टॉलमेंट है आपने खुद निकाला है क्वेश्चन ने आपको ये बात कही हुई है अब हमें क्या करना है बेस डेट बताओ किसको मानना चाहते हो सर अर्लीस्ट डेट ज्यादा अच्छा होगा 1 जनवरी 1988 तो बताओ जरा अब 1 जनवरी से 1 जनवरी कितना हो जाएगा 0 1 जनवरी से 1 जनवरी 1989 ये 1 ईयर हो गया इस पर मैं ईयर में ले रहा हूं है ना कौन इतना लंबा करेगा 365 जबकि आराम से ईयर हो सकता है ये हो गया 2 ईयर ये हो गया 3 इयर्स ये हो गया 4 इयर्स 5 इयर्स एंड 6 इयर्स है ना बच्चों बोलो ना हां सर हां जी अब जरा बताओ प्रोडक्ट लेना है जी हमने अगर हमारा ये कॉलम ए है और ये कॉलम अगर हमारा बी है तो वी आर टेकिंग ए इनटू बी बताओ पहला वाला कितना आ जाएगा 0 20,000 इनटू 1 कितना हो जाएगा 20,000 20,000 इनटू 2 कितना हो जाएगा 40,000 20,000 इनटू 3 कितना हो जाएगा 60,000 20 इनटू 4 80,000 20 इनटू 5 1 लाख एंड 20 इनटू 6 आपका 1,20,000 बताओ ये टोटल कितना आ गया 420,000 कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर चलो बताओ ये अमाउंट कितना आ गया आपको यहां पे सर ये तो आपका 2020 ऐड किया तो 140 तो था सर 140 आपका यही तो अमाउंट बन जाएगा आपका ऐड करके देख लो अब हमें निकालना यहां पे एवरेज ड्यू डेट बताओ कैसे निकालें सर एक तो लीजिए बेस डेट और प्लस आपने करना है समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अमाउंट और ये ब्रैकेट में आपका इस पर इयर्स है मेरे बच्चे इयर्स है क्योंकि कैलकुलेशन आपने इयर्स में किया हुआ है बेस डेट हमने क्या लिया था 1 जनवरी 1988 आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम पे जरा बताओ प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया 4,20,000 सर आप जन्म ले चुके थे हां बच्चे मैं तो 70 75 साल से पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सी बड़ी बात है 1988 में तो मैं पढ़ाया करता था अच्छा बताओ अमाउंट कितना है 140 सर सच्ची बोलता हूं मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं बात मानो चाहे ना मानो तो 1 जनवरी 1988 प्लस कितना हो गया सॉरी डेज नहीं है आपके बातों में चक्कर में खराब हो जाता हूं ईयर से बच्चे ये 3 इयर्स निकल के आ गया बताओ क्या ड्यू डेट निकल के आएगा एवरेज 1 जनवरी 3 साल ऐड करना 1991 लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया आपने कैलकुलेशन डेज में किया तो डेज में मंथ्स में इयर्स टू इयर्स में जैसे चाहो वैसे कर लो क्या फर्क पड़ता है आई बात समझ में सर हां जी सर हां आई सर समझ में सर कुछ और अच्छा क्वेश्चन कराओ ना बहुत मजा आ रहा सर इस चैप्टर में कुछ है नहीं पढ़ने के लिए चलो फिर आओ जरा मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आप जो कहो मैं आप ही की बात मानूंगा जरा क्वेश्चन नंबर 8 में आना जरा ये आएगा जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए 8 क्वेश्चन जरा आना 8 क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या बता रहा है 8 क्वेश्चन बच्चे 8 ध्यान से 8 ये कांसेप्ट आ रहा आपका वो आफ्टर डेट आफ्टर साइट वाला नहीं कर रहा था जब डेट ऑफ बिल ड्रॉन डेट एक्सेप्टेंस अलग होगा वो कांसेप्ट यहां पे आ गया 8 पढ़ो जरा फॉर गुड सोल्ड Nair draws the following bill on Roy, who accepts the same as per the terms. Amount of bill कहता है 8, 9, 8 and 15.
डेट ऑफ कहता है ड्रॉइंग्स आपका पहला 6 जनवरी को, लेकिन एक्सेप्टेंस कहता है कि 9 जनवरी को। फिर कहता है आपका यहाँ पे 15 फरवरी को और 18 फरवरी को, 21 फरवरी और फिर आपका यहाँ पे लास्ट वाला 14 मार्च और 17 मार्च। ध्यान दीजिए टेन्योर में क्या लिखा हुआ है, पहला 3 मंथ्स आफ्टर डेट, याद कीजिए नोट, मैंने बताया था कि अगर बिल आफ्टर डेट होगा तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन से काउंटिंग होगा। फिर कहता है बच्चे अगला जो बिल है 90 डेज और यहां पे लिखा हुआ आपका यहां पे आफ्टर साइट, मैं लिखो यहां पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आगे की बुक में सही कर दूंगा, ये आफ्टर साइट यानी कि जिस दिन बिल आपने देखा है उस दिन से काउंट किया जाएगा आफ्टर साइट आपका। फिर थर्ड वाले में बिल्कुल साइलेंट है जी, कुछ नहीं बता रहा आपका, साइलेंट होना जरूरी भी है क्योंकि देखो जिस दिन बिल लिखा गया साइन भी उसी दिन हुआ है, 21 फरवरी को लिखा गया, 21 को ही साइन किया गया, उसमें क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि बिल क्या आपका है। और लास्ट वाले में कहता है कि आफ्टर साइट, ठीक है ना। तो जरा बताओ हम क्या करेंगे, नीचे पढ़ो क्या बता रहा उसके बाद क्वेश्चन में, 18 मार्च को इट इज अग्रीड दैट द अबव बिल विल बी विड्रॉन एंड द एक्सेप्टर विल पे द होल अमाउंट इन ए वन लमसम बाय चेक। वो कहता है कि जो पेमेंट करेगा 4 दिन पे करने के बजाय किसी एक दिन पे पेमेंट करेगा जी चेक के, लेकिन वो 15 डेज अर्लियर होगा ऑन द एवरेज ड्यू डेट, मतलब एवरेज ड्यू डेट जो निकलेगा उससे 15 दिन पहले फॉर ए रिबेट ऑफ 1000 विल बी अलॉट। लो ये मुझे बहुत गंदा लगा, ये बहुत गंदा लगा, बदमाश ने कह दिया कि भैया 15 दिन पहले बिल आप बनाओ या चेक बनाओ। काश ये हमें ना बोलता, सिर्फ कहता कि यार 1000 का आपको रिबेट चाहिए मतलब सेविंग चाहिए, तो बताओ कितने दिन पहले, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले का पिछले था ना कि 150 रुपये सेव करना, तो बताओ कितने दिन पहले पेमेंट करेंगे। इस बदमाश ने कह दिया कि पेमेंट आपको 15 दिन पहले का चेक बनाना जी, तभी आपको 1000 रुपये का यहाँ पे रिबेट मिलेगा। बोलता बताओ एवरेज ड्यू डेट क्या होगा और अमाउंट एंड ड्यू डेट ऑफ चेक कितना होगा। चलो कर लेते हैं, क्या जाता है यहाँ पे आपका, ऐसे मेरा मन उदास हो गया, काश ये डेट ना बोलता, बोलता कि खुद निकाल लो, तो मैं निकालता बच्चे, जैसे हमने किया था ना कि एक साल का इंटरेस्ट इतना है, तो एक मंथ का इतना है, तो एक दिन का इतना है, वो काम मैं करता, मुझे मजा भी आता, लेकिन इस बदमाश ने सारे सपने मेरे चकनाचूर कर दिए, सारे सपने चकनाचूर। आओ जरा शुरू करते हैं, हम देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए मेरे साथ, यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि पहले मैं एक काम करूं, क्या मैं फटाफट पहले ना इतना सारा कॉलम क्यों बनाऊंगा, हेडिंग डालो पहले यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, मैं पहले यहां पे एवरेज ड्यू डेट निकाल दूं, और मैं यहां पे काम करता हूं, मैं ना ये सब लिखने के बजाय सीधे मैं ड्यू डेट लिखूंगा। मैं नोट्स आपको लिखा चुका हूं, एग्जाम में कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते हैं। चेक कीजिए ड्यू डेट्स, जरा बताओ पहला वाला जो बिल है वो 3 मंथ्स कहता है कि आफ्टर डेट, बताइए बिल आफ्टर डेट है, काउंटिंग डेट ऑफ बिल ड्रॉन से होगा कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होगा। सर डेट ऑफ बिल ड्रॉन से होगा, यानी कि 6 जनवरी से, बताओ 6 जनवरी से 3 महीना, 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल में आप बताओ कितना ऐड करोगे, सर 3 डेज, तो ये मेरे बच्चे 9 अप्रैल हो गया। जब भी बात बिल की होगी तो हमें 3 डेज ऐड करने ही करने हैं, वो कब ऐड नहीं होता, अगर बिल ऑन डिमांड होता तो ठीक है, 9 अप्रैल। आगे पढ़ो जरा आपका अगला क्या जी, कहता है कि 15 फरवरी, 18 फरवरी और कहता है कि 60 डेज आफ्टर साइट। तो देखो उस केस में जरा बताओ आफ्टर साइट है, काउंटिंग कब से किया जाएगा, सर जिस दिन साइन हुआ, सर मतलब कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, तो बताओ 18 फरवरी से 60 दिन, फरवरी में 28 दिन होते हैं, अगर 18 हटा दो 10 दिन तो आ गया फरवरी में, मार्च में आपका 31 दिन आ गया, तो जरा बताओ मार्च अप्रैल में फिर कितने दिन आ जाएंगे, अप्रैल में सर ये 41 हो गया तो 19 डेज है ना बच्चे, 19 आपका तो 19, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो कितना हो जाएगा 22 अप्रैल, जब बिल आफ्टर साइट होगा तो ड्यू डेट की काउंटिंग कब से होता है, आफ्टर साइट यानी कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आपका। अगला वाला देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों सेम बता रहा है, तो यहां कोई टेंशन ही नहीं है
किसी भी दिन से दो महीना काउंट करोगे वही आएगा। तो 21 फरवरी से दो महीना, 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 और 3 24 अप्रैल, 24th अप्रैल यहाँ पे लिखिए, 24th अप्रैल। लास्ट वाला कहता है आपका आफ्टर साइट है, आपको पता है कि आफ्टर साइट में काउंटिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। तो मेरे बच्चे 17th मार्च से काउंटिंग किया जाएगा, 30 दिन। मार्च में बताओ कितना दिन हो गया, सिर्फ 14, है ना, 17 तारीख के बाद मार्च में हो गया 14। तो अप्रैल में कितना हो गया सर, 16, और तीन दिन ऐड करो तो 19th अप्रैल, लिखो यहाँ पे 19th अप्रैल यहाँ निकल के आ गया। तो ये ड्यू डेट्स आपके निकल के आ गए। बताओ जरा इनका अमाउंट हमारे पास कितना कितना है सर। अमाउंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पहला वाला 8000 है सर, दूसरा वाला अमाउंट कहता है कि 9000 है, तीसरा वाला अमाउंट कहता है कि सर 8000 है, एंड चौथा वाला अमाउंट आपका 15000 है। ठीक है, आओ ना हम इसमें बेस डेट लेते हैं, बेस डेट लेते हैं। यहाँ पे क्या लेना चाहते हो सर, कोई भी ले लो, लेकिन बताओ ना अच्छा कौन सा होगा। अर्लीएस्ट यानी कि 9th अप्रैल, 9th अप्रैल। फिर लिखिए आप यहाँ पे डिफरेंसेज, डिफरेंसेज ऑफ ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स फ्रॉम फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से क्या डिफरेंस निकल के आएगा वो देखेंगे जी हम लोग यहाँ पे। तो 9 से 9 0 हो गया, 9 से आपका 22nd, बताओ कितना हो जाएगा सर, 22 में 9 हटा दो तो 22 में कितना हो जाएगा, 13 ना, 10, हाँ जी 13 डेज यहाँ पे है ना, 10 तारीख से काउंटिंग हो रहा है, 10 और ये ठीक है। यहाँ बताओ तो सर ये 15 डेज हो गया, और यहाँ बताइए सर 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 ये 9 से 10 डेज हो गया सर, 10 डेज हो गया सर, 10 डेज ठीक है। तो आओ ना फिर प्रोडक्ट निकालते हैं क्या निकल के आएगा। 8000 यहाँ पे 0 हो गया, ये बताओ कितना हो गया, 9000 इंटू 13, तो 9000 मेरे बच्चे इंटू आपका 13, ये आ गया 1,17,000। 8000 इंटू 15 बताइए, तो आपका 8000 इंटू 15 ये आ गया आपका 1,20,000, 120। और बच्चे लास्ट वाला आपका हो गया 1,50,000, बात समझ आ रही है सर, हाँ जी बताओ कितना निकल के आ गया, 120 प्लस 150 और प्लस आपका यहाँ पे 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000, 000, ये आ गया आपका 3,87,000, लिखो यहाँ पे 3,87,000। बताओ अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे, 40,000 ना, चेक कर लो एक बार दोबारा, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं सर 40 ही तो आएगा, फिर से देख लो, गलती बार बार हो जाता मुझसे, नहीं सर ठीक है। अब निकालो फटाफट यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट जरा बताओ क्या निकल के आएगा। तो सर एक तो बेस डेट यानी कि 9th अप्रैल प्लस समेशन ऑफ अमाउंट 387 डिवाइड बाय आपका 40,000, और क्योंकि हमने डेज में काउंटिंग किया है विल टेक डेज। तो बताओ 9th अप्रैल प्लस ये कितना आ गया, तो 387 डिवाइड बाई 40,000 ये आ गया आपका 9.67, यानी कि 9 यहाँ पर लिखे 9 पॉइंट कितना रहा है, 675 डेज आगे ब्रैकेट में, और अप्रोक्स कहा जा सकता है कितना जी, ये 10 डेज हो गया बच्चे, 10 डेज। तो बताओ 9th अप्रैल से 10 डेज क्या हो जाएगा, 19th अप्रैल ये निकल के आया आपका एवरेज यूनिट। वो कहता है कि वो 1000 का रिबेट चाहता है और 15 दिन पहले पेमेंट करना चाहता है। तो चलो बताओ आपका फॉर रिबेट ऑफ 1000 आप बताओ ही हैज टू मेक पेमेंट, मेक पेमेंट क्वेश्चन के मुताबिक ही ऑन 15 डेज बिफोर बिफोर एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। तो उस केस में हम लोग यहां पे क्या आपका कहता है कि जरा बताओ डेट ऑफ चेक ड्रॉन कब होगा, तो 19th अप्रैल में 15 दिन माइनस कर दो। आप बताओ 19 में 15 गया तो क्या हो गया, 4th अप्रैल, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको 1000 रुपये का रिबेट चाहिए
वो कह रहा है कि 15 दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तो 19 में 15 हटा दिया 4, और कहता जरा बताओ कि अमाउंट ऑफ चेक कितना होगा, अमाउंट ऑफ चेक कितना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, 40,000 में अगर हमें 1,000 का रिबेट मिल रहा है तो बताओ अमाउंट कितने का हो जाएगा, 39,000 का। ये लीजिए हमने काम पूरा किया, तो कुछ है नहीं बचे मुझे जो पढ़ाना इसके अंदर में आपका। आप प्लीज कॉपी कर लो, यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉपी कर लो। देखो आज हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो आपको करके आना है, जो आराम से बन जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज हम एक तरफे बात की, अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी वो और मज़ेदार होगी, जहाँ पे दो तरफा लेन देन होगा। राम ने मोहन को बेचा है, मोहन से परचेज भी किया है, तो उसे कुछ पैसा लेना है, देना वो कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन तब तक जो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेना है और कर ही लेना है, उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 21 कर जाना है आपने, 21 हो गया, एक क्वेश्चन आप कर जाएंगे 20 नंबर, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 20 आपका हो जाएगा, एक आपका 19 क्वेश्चन हो जाएगा, एक आपका 18 क्वेश्चन हो जाएगा, एक आपका 17 हो जाएगा, 17 क्वेश्चन कर जाएंगे आप, 17 क्वेश्चन कर जाएंगे आप। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 कर जाएंगे आप, 13 कर जाएंगे। चलिए आप इतना करके आएँ, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ डाउट्स हुआ तो वो भी देखेंगे बच्चे, और दो तरफा जब लेन देन होगा तो कैसे किया जाएगा वो भी ख़त्म करेंगे। तब तक आप मस्ती करें इन क्वेश्चन के साथ। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा बच्चा, थैंक यू।